मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कोरोना के लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के मामलों पर नजर रखी हुई है, रोज 75,000 सैंपल लिए जा रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ा रहे हैं और सभी से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और कहा कि उन्होंने देश की राजनीति को नया आयाम दिया, अपनी कार्यशैली से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा उठाया। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम में पॉजिटिव कुछ नहीं दिखेगा, वो नकारात्मकता ही देखती है, वे जनता के बीच नहीं जाते, इसलिए बीजेपी की यात्रा पर केवल सवाल ही उठा सकते हैं। देखिए, हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर परिस्थिति पर दृष्टि रखे हैं। मध्य प्रदेश में इसीलिए कोरोना के टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 70,000 से 75,000 टेस्ट हम लगभग रोज कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना के जो भी पॉजिटिव केस हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ ही हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 30 लोगों की, एक पॉजिटिव से जुड़े हुए 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और इन सबके पीछे का मंतव्य यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संक्रमण ना फैले। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न और इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की राजनीति को एक नया स्थान दिया, एक नई ऊंचाइयों तक इस देश की राजनीति को पहुंचाने का काम किया। इस देश में उन्होंने शुचिता की और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया हर स्तर पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, नेता रहे हों, सांसद रहे हों, विदेश मंत्री रहे हों या फिर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हों। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, कार्यशैली, कार्य पद्धति से इस देश में और देश के बाहर दुनिया में भारत का नाम निश्चित रूप से ऊंचा उठाया। देखिए, कांग्रेस को तो ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी सार्थकता नहीं दिखेगी क्योंकि वो तो नकारात्मकता की बात करते हैं। उनके नेता मंत्री बनने के बाद एसी कमरों में बैठते हैं, हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये अंतर है, ये सही मायने में मौल जो बेसिक भारतीय जनता पार्टी का विचार और कांग्रेस के विचार का जो अंतर है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से परिलक्षित होता है।